बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जीन म्यूटेशन पे, जीन एंड क्रोमोसोम म्यूटेशन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट ओनली रिलेटेड टू जेनेटिक्स बट आल्सो मोलेक्युलर सेल एंड मोलेक्युलर बायोलॉजी। तो इसको हम पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन इसमें से भी बहुत सारे आते हैं। तो क्योंकि हमने कोई टॉपिक नहीं छोड़ना, कोशिश यही करनी है कि जितना भी हो सके हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बायोलॉजी से, जूलॉजी से रिलेटेड जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो जीन म्यूटेशन के तकरीबन जो है ऑलमोस्ट 3 जो है वो लेक्चर मैं कोशिश करूँगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और इसमें जो है जो मेन हमारा होगा उसमें एक लेक्चर में जीन म्यूटेशन होगी, एक में क्रोमोसोमल नंबर म्यूटेशन होगी और एक में क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर वाइज म्यूटेशन, जिसे क्रोमोसोमल एबरेशन का भी नाम देते हैं। तो उसकी एग्जांपल्स के साथ और क्वेश्चन आंसर के साथ मैं आपसे शेयर करूंगी। उससे स्टार्ट करने से पहले ये एक मैंने चार्ट बनाया है जो इसमें सारी म्यूटेशन को मैंने इकट्ठा कर दिया है। और ये शॉर्ट टाइम अगर है आपके पास और आपने जो है वो एग्जाम से कुछ टाइम पहले देखना है तो इस चार्ट को आप देख सकते हो और इसमें आप आपके पॉइंट काफी क्लियर होंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो म्यूटेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। नंबर 1 आर जीन म्यूटेशन एंड देन क्रोमोसोमल नंबरल म्यूटेशन आल्सो कॉल्ड पोलाइडी एंड क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल म्यूटेशन दैट इज आल्सो कॉल्ड क्रोमोसोमल एबिरेशन। तो ये क्रोमोसोमल नंबर म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एबिरेशन म्यूटेशन को हम मेजर म्यूटेशन भी बोलते हैं। तो और जीन म्यूटेशन में हमारे पास भी 2 कैटेगरी है, माइनर एंड मेजर। तो पहले अगर हम जीन म्यूटेशन की बात करें तो जीन म्यूटेशन को चाहे माइनर है या मेजर है, बेसिक इसकी 2 टाइप है। एक को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, यानी सिंगल नाइट्रोजिनस बेस का जो है सब्स्टिट्यूट कर जाना, ना कोई एडिशन होनी ना डिलीशन होनी, एक नाइट्रोजिनस बेस का एक्सचेंज कर जाना यानी एक और न्यू नाइट्रोजिनस बेस आ जाना, लेकिन पूरे उस पे जो है कोडान के नंबर पे फर्क ना पड़ना, तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। जो के पॉइंट म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन को हम स्निप्स भी कहते हैं, सिंगल जो है न्यूक्लियोटाइड बेस पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉइंट म्यूटेशन आल्सो कॉल्ड स्निप्स एंड सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट भी हम आगे देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे। फ्रेम शिफ्ट में यानी फ्रेम शिफ्ट में पूरा का पूरा जो हमारे कोडान है वो शिफ्ट कर जाते हैं, सिर्फ एक कोडान पे फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारे जो है कोडान और अमाइनो एसिड जो जो उनका फेट जो है वो चेंज हो जाएगा, या तो उसमें एडिशन होगी किसी नाइट्रोजिनस बेस की या फिर डिलीशन होगी, डिलीट कर जाएगा। सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आल्सो 2 टाइप, डिलीशन एंड डुप्लीकेशन। और जो मैंने सब्स्टिट्यूशन या पॉइंट म्यूटेशन किया चार्ट में उसकी मैंने फर्दर टाइप्स नहीं बताई लेकिन आगे मैं बताऊंगी। उसमें हमारे पास जो है वो साइलेंट म्यूटेशन भी है, मिससेंस म्यूटेशन भी है, नॉन सेंस म्यूटेशन भी है। सो ऑल दीज 3 टाइप्स आर द फर्दर कैटेगरी और फर्दर पॉइंट म्यूटेशन और स्निप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी दैट आर कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन एंड मिससेंस म्यूटेशन। तो ये हमारी हो जाएंगी सारी जो है वो जीन म्यूटेशन, इसको हम जो है वो वन बाय वन करेंगे। और क्रोमोसोमल अगर नंबरल म्यूटेशन या पोलाइडी की बात करें तो उसकी फर्दर 2 टाइप है, एन्यूप्लाइडी है एंड यूप्लाइडी है। एन्यूप्लाइडी है, एन्यूप्लाइडी में सिंपल क्रोमोसोम का नंबर जो है वो चेंज हो जाता है, या एक क्रोमोसोम की एडिशन हो जाती है या एक क्रोमोसोम की डिलीशन हो जाती है, या हाफ पार्ट क्रोमोसोम की डिलीशन होती है, हाफ पार्ट क्रोमोसोम की एडिशन होती है, तो जस्ट 1 क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम, तो उसको हम एन्यूप्लाइडी कहेंगे। लेकिन अगर पूरा सेट में वेरिएशन आती है क्रोमोसोम के सेट में, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, तो सेट वाइज चेंज आती है, जैसे हैप्लाइड नंबर है, डिप्लाइड है, ट्रिप्लाइड है, टेट्रापोलाइड है, तो अगर हम पूरे के पूरे क्रोमोसोम की सेट की चेंज अगर हम कहेंगे तो हम उसको यूप्लाइडी का नाम देंगे, चेंज इन क्रोमोसोम सेट्स।
अगर हम नंबर की बात करें एनियोप्लाइडी की, तो उसमें कुछ नंबर जो है वो डिलीट हो जाते हैं या ऐड हो जाते हैं अगर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कम हो जाए, 2n-1, 2n-2, 2n-3, यानी कि हमारा 2n, यानी हम डिप्लाइड ऑर्गेनिज्म है, और अगर उसमें से एक क्रोमोसोम कम हो जाए, दो हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम हाइपोपोलीप्लाइडी कहेंगे। हाइपो मीन कमी, और अगर एडिशन हो गई है 2n+1, 2n+2, तो यानी कि 47 क्रोमोसोम, 48 क्रोमोसोम, तो ह्यूमन बींग की अगर हम बात करें तो हम उसको क्या कहेंगे, हाइपर पोलीप्लाइडी। हाइपर पोलीप्लाइडी की फिर आगे टाइप्स हैं, ट्राइजोमी जिसमें 2n+1 है, टेट्राजोमी 2n+2 है, नलीजोम। अच्छा, ये जो है टेट्राजोमी और ट्राइजोमी हाइपर की है। हाइपो जिसमें कमी होती है, उसमें हमारे पास मोनोजोमी है, एक क्रोमोसोम कम कर गया है, यानी कि 45 क्रोमोसोम है 46 की बजाय, या दो कम कर गए हैं जिसको हम नलीजोमी कहेंगे, तो उसमें 44 होंगे 46 की जो है वो बजाय 42, यानी 2n-2। इसको हम सारा डिटेल में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ये हो गई क्रोमोसोमल नंबर। और अगर हम क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल की बात करें तो हम क्रोमोसोमल एबरेशन का भी नाम देते हैं, जिसमें हमारे पास डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्जन है, ट्रांसलोकेशन है। तो ये थी। और इधर अगर हम नंबरल की बात की थी, तो मैंने आपसे, अगर फिर पीछे आए नंबर वाइज बात करें, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि डिलीशन हुई है, तो या एक या दो क्रोमोसोम जो है वो चेंज कर गए हैं, तो उसको एन्यूप्लाइडी कहेंगे। सेट चेंज कर गया तो सेट को क्या हम कहेंगे, यूप्लाइडी। अगर किसी के पास एक ही सेट है क्रोमोसोम का, हैप्लाइड तो वो होता है ना जिसमें गैमेट्स में जो है उसमें हाफ नंबर ऑफ जो है वो क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि वो हैप्लाइड कहलाएगा। लेकिन पूरी बॉडी, चाहे उसके सोमेटिक सेल हैं, चाहे उसके जो है गैमेटिक सेल हैं, पूरी बॉडी के सेल में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, तो हम उसे मोनोप्लाइड का नाम देंगे और इस प्रोसेस को मोनोप्लाइडी कहेंगे। और अगर टू है तो वो ज़ाहिर नॉर्मल है, लेकिन अगर दो से ज्यादा सेट हैं, जैसे ट्राईप्लाइडी है, टेट्राप्लाइडी है, तो तब हम उसे पोलीप्लाइडी कहेंगे। पोलीप्लाइडी को फर्दर एलो पोलीप्लाइडी और ऑटो पोलीप्लाइडी में डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारा एक लेक्चर होगा जिसमें क्रोमोसोम नंबरल म्यूटेशन आएगी। तो फिर जो उसके बाद थर्ड जो लेक्चर होगा उसमें क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल म्यूटेशन को मैं डिस्कस करूंगी, यानी क्रोमोसोमल एबिरेशन, जिसमें डिलीशन होगी, डुप्लीकेशन होगी। ये एक जीन की डिलीशन नहीं है, इसमें सेट ऑफ जीन आ सकते हैं। वन जीन का अगर हम कहेंगे वो फ्रेम शिफ्ट में आएगा, लेकिन अगर हम एक कहें कि थोड़ा सा पार्ट क्रोमोसोम का, क्योंकि स्ट्रक्चर की बात हो रही है, विदन क्रोमोसोम या क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो उसमें वन जीन या नहीं, वन जीन नहीं बल्कि मोर देन वन जीन और अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज डिलीटेड, तो वो डिलीशन होगा, या एक पूरा का पूरा छोटा सा पार्ट जो है जिसमें काफी सारे जीन हैं वो डुप्लीकेट हो गए हैं, तो डुप्लीकेशन कहलाएगी, या जो है जीन का जो पोजीशन है वो रिवर्स कर गई है, उनकी चेंज हो गई है, तो इन्वर्जन कहलाएगी। और जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान जीन की जेनेटिक सेगमेंट की एक्सचेंज हुई है, होमोलोगस के दरमियान होती है तो क्रॉसिंग ओवर कहलाती है, नॉन होमोलोगस के दरमियान होती है तो उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ये हमारा जो है क्रोमोसोमल एबरेशन में या क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल म्यूटेशन में ये टॉपिक्स होंगे, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। इस चार्ट को आपने अच्छे तरीके से करना है, इसमें हर कैटेगरी को डिवाइड कर दिया है, जीन म्यूटेशन अलहदा, क्रोमोसोम नंबरल म्यूटेशन अलहदा, और क्रोमोसोम स्ट्रक्चरल म्यूटेशन जो है वो सेपरेट मैंने की है आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आपको सिर्फ जो है पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ना देख सकें, बल्कि ये आपके पास हो और जब भी म्यूटेशन की बात हो, आपको पढ़ानी पड़ जाए या किसी को समझानी पड़ जाए, तो आपके अपने पॉइंट कम अज कम क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं जीन म्यूटेशन। What is a gene mutation? Simple, हम कहते हैं कि within a gene, एक जीन के अंदर जो है change, mutation are changes in genetic material, changes in DNA code, thus a change in a gene. Within gene में जो भी चेंज आएगी वो हमारी जीन म्यूटेशन कहलाएगी। इन जीन म्यूटेशन द डीएनए कोड विल बी अ बेस मिसिंग एडेड और एक्सचेंज, यानी कि नाइट्रोजिनस बेसिस का या किसी के साथ चेंज हो जाना, या उसका मिस कर जाना, या उसकी डबल या एडिशन हो जानी, तो ये सारी जो है वो किस में आएगी, ये विद इन जीन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जीन म्यूटेशन।
How common are mutation? Mutation occur at a frequency of about 1 in every 1 billion base pair. तो 1 billion base pair में इसकी frequency 1 है. Everybody has about 6 mutation in each cell in their body. So common है mutation और ये frequently हो रही है. Natural mutation भी है, induced mutation भी है, आगे हम वो देखेंगे. तो म्यूटेशन आर नॉट ऑलवेज सीन, द अफेक्टेड जीन मे स्टिल फंक्शन. सो वी कैन से म्यूटेशन मे बी हार्मफुल एंड काज अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, हंटिंगटन डिजीज एंड अदर डिसऑर्डर्स दैट काज्ड बाय अ नंबर ऑफ म्यूटेशन. एंड इन अदर ऑर्गेनिज्म सच एज वाइट आई इन ड्रोसोफिला, वेस्टिजियल विंग इन ड्रोसोफिला, येलो कोट कलर ऑफ माइस एंड ब्लैक कलर ऑफ माइस. सो ऑल आर द केसेस ऑफ म्यूटेशन एंड समटाइम वेरी हार्मफुल सच एज इन ड्रोसोफिला व्हेन द वेस्टिजियल विंग्स दे कांट फ्लाई एंड अ नंबर ऑफ अदर हार्मफुल इफेक्ट आल्सो टेक प्लेस इन दैट ऑर्गेनिज्म. म्यूटेशन मे बी बेनिफिशियल. म्यूटेशन आगे हम देखेंगे कि बेनिफिशियल भी होती है, हर दफा नहीं होती. ये आगे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी. म्यूटेशन मे हैव नो इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म और बाज़ औक़ात म्यूटेशन हो रही होती है लेकिन उसका कोई भी प्रोटीन के ऊपर या अमाइनो एसिड के फेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो कोडान के अमूमन जो लास्ट वाला बेस है उस पे होगी. तो एक कोडान के अगर फर्स्ट या सेकंड बेस में अगर म्यूटेशन हो गई है तो उससे अमाइनो एसिड और चेंज हो जाएगा और अमाइनो एसिड आएगा अपने नॉर्मल की बजाय. लेकिन अगर कोडान के थर्ड वाले बेस में कोई चेंज आई है तो सम टाइम या मोस्ट केसेस उस पे कोई कोडान के या अमाइनो एसिड के फेट पे असर नहीं पड़ेगा. रिजल्ट वही प्रोटीन बनेगी जो नॉर्मल रूटीन में बनती है. तो इस तरह की म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन भी कहते हैं. आगे मैंने इसको भी आप करवाना है. सो म्यूटेशन आर नॉट ऑलवेज हार्मफुल बट सम टाइम दे मे बी बेनिफिशियल एंड सम टाइम दे काज नो इफेक्ट. जो जीन म्यूटेशन की दो टाइप हैं, एक है पॉइंट म्यूटेशन और एक है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन बहुत ही माइक्रो लेवल पे है कि सिंगल नाइट्रोजिनस बेस. आपने कोडान पढ़ा होगा, कोडान को हम कहते हैं ट्रिपलेट या तीन नाइट्रोजिनस बेस का जो कॉम्बिनेशन है, जो एक अमाइनो एसिड के लिए जो है इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम कोडान कहते हैं. तो कोडान के अंदर या पूरे के पूरे उस डीएनए में सिर्फ एक नाइट्रोजिनस बेस पे चेंज आना, या वो किसी के साथ यानी क्या वो एक्सचेंज कर जाए, टोटल नंबर वही रहे, तो वो उसको हम सिंगल लेवल पे जो म्यूटेशन है तो उसमें अमूमन हम इसको सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन भी कहते हैं. कि इसमें बेस की एडिशन या डिलीशन नहीं होती, बेस की तादाद नाइट्रोजिनस बेसिस की उतनी ही रहेगी. फॉर एग्जाम्पल एक डीएनए में जो 30 कोडान है तो 30 के 30 कोडान रहेंगे, यानी उस 30 में 90 जो है नाइट्रोजिनस बेसिस होंगे वो 90 ही रहेंगे. लेकिन 1 जो है वो चेंज कर देगा, जैसे गुआनिन की जगह एडिनिन आ गई है, एडिनिन की जगह थाइमिन आ गई है, टोटल नंबर पे फर्क नहीं पड़ा. तो उसको हम सिंपल सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहेंगे या हम उसे क्या कहेंगे, स्निप्स का नाम देंगे, सिंगल नाइट्रोजिनस बेस पॉलीमॉर्फिज्म, या हम उसे पॉइंट म्यूटेशन का नाम देंगे. लेकिन अगर एडिशन या डिलीशन हुई है उसे, एक नाइट्रोजिनस बेस या एड हो गया, डबल हो गया या वो मिस कर गया है, तो उससे ये होगा कि ना सिर्फ उस कोडान पे फर्क पड़ेगा बल्कि साथ वाले कोडान पे भी फर्क पड़ेगा और इस तरह वो शिफ्ट कर जाएगी म्यूटेशन. तो पूरे का पूरा सीक्वेंस जो अमाइनो एसिड का है वो चेंज हो जाएगा. तो इसलिए हम उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहते हैं. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या डिलीशन होगी या डुप्लीकेशन होगी, तो इस लिहाज से हम इसे फ्रेम शिफ्ट का नाम देंगे. पॉइंट म्यूटेशन जो है, जिसको मैंने आपसे बोला है कि वो या सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन, इसमें नाइट्रोजिनस बेस जो है वो कम या ज्यादा नहीं होते, टोटल उतने ही रहते हैं. लेकिन वो उसका जो है सीक्वेंस में हम बात करते हैं कि उसका अल्टरनेट कर जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, गुआनिन की जगह एडिनिन, एडिनिन की जगह जो है वो थाइमिन आ सकता है. सो पॉइंट म्यूटेशन फर्दर कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स, साइलेंट, मिससेंस एंड नॉनसेंस म्यूटेशन. मिससेंस में क्या होगा? मिससेंस में आप क्या देखें कि डीएनए चेंज करेगा, आरएनए भी डेफिनेटली चेंज करेगा, पूरी प्रोटीन का सीक्वेंस भी.
जो है वो पूरी प्रोटीन का सीक्वेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें एक अमाइनो एसिड चेंज होगा, रिजल्ट जो है वो प्रोटीन जो है और काम करेगी चेंज। और साइलेंट म्यूटेशन में डीएनए में चेंज है, आरएनए में चेंज है, लेकिन प्रोटीन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और नॉनसेंस म्यूटेशन में तो डीएनए चेंज और आरएनए चेंज, लेकिन प्रोटीन स्टॉप कर जाएगी, बनेगी नहीं। मैं आपको बताती हूँ आगे कि नॉनसेंस म्यूटेशन क्या है और किस तरह प्रोटीन स्टॉप कर जाती है। साइलेंट म्यूटेशन की आप मैंने जैसे बात की थी, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन इन द थर्ड बेस न्यूक्लियोटाइड पोजीशन ऑफ अ कोडान। एक कोडान के तीन न्यूक्लियोटाइड है, एक कोडान के थ्री नाइट्रोजिनस बेस है, तो जो थर्ड बेस है उसमें चेंज आ जाए। अमूमन ये होता है कि तीसरे अगर न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाएगा तो रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो पहले भी ग्लूटामिक एसिड के लिए वो कोडान था, वो बाद में भी ग्लूटामिक के लिए रहेगा, लेकिन अगर फर्स्ट टू में कोई चेंज आई है तो फिर जो है वो साइलेंट म्यूटेशन नहीं होगी, वो मिससेंस हो जाएगी या नॉनसेंस हो जाएगी। तो साइलेंट म्यूटेशन में अमूमन एक कोडान के थर्ड नाइट्रोजिनस बेस का किसी और नाइट्रोजिनस बेस के साथ चेंज हो जाना, तो उस पे रिजल्ट पे इफेक्ट ना पड़ना, वो वही अमाइनो एसिड के लिए कोडान होगा जो नॉर्मल के लिए होगा। तो इस म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे, साइलेंट म्यूटेशन। अक्सर हमारी बॉडी में होती भी है, बहुत ज्यादा होती है, हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि इसका इफेक्ट कोई नहीं है। मिससेंस का क्या है, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, सिर्फ एक एक नाइट्रोजिनस बेस में अब जो है ना एडिशन हुई है ना डिलीशन हुई है, जस्ट वो चेंज हो गया है। और वो एक नाइट्रोजिनस बेस्ड कोडान का या पहला होगा या वो सेकंड नंबर का होगा, और रिजल्ट क्या होगा कि वो कोडान जो है वो और अमाइनो एसिड बनाएगा, बाकी कोडान पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो उसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास सिकल सेल एनीमिया है। आप देखिए हीमोग्लोबिन की फोर पोली जो है पेप्टाइड चेन है, तो उसमें जो है बीटा चेन जो है उसमें अगर आप देखें कि जस्ट एक न्यूक्लियो नाइट्रोजिनस बेस चेंज होने से अमूमन वहां पे वो कोडान ग्लूटामिक एसिड बनाता है, लेकिन उस एक नाइट्रोजिनस बेस के चेंज होने से वो वेलिन बनेगी, तो रिजल्ट जो है हीमोग्लोबिन जो है वो इनएक्टिव होगी, सही तरह से काम नहीं करेंगे और सिकल सेल शेप हो जाएगी आरबीसी की। तो सिकल सेल एनीमिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिससेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन क्या है, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन दैट यील्ड स्टॉप कोडान, होगी एक ही कोडान में चेंज एक ही नाइट्रोजिनस बेस में, लेकिन वो नाइट्रोजिनस बेस फॉर एग्जाम्पल वो ए ए ए था, तो एक ही जगह जो है एडिनिन एडिनिन और ए ए ए आरएनए में, तो ए या था सी ए ए, तो सी की जगह यू आ गया है, तो वो यू ए ए बन जाएगा, यू ए ए यू जी ए यू ए जी या यू ए जी बन जाएगा। और हमें पता है कि ये कोडान क्या है, ये टर्मिनेशन कोडान है, तो ये एंड करने वाले हैं, वो जो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए नहीं होती। तो अगर वो कोडान दरमियान में ही आ गया तो रिजल्ट ये होगा कि प्रोटीन जो है वो स्टार्ट में बनेगी, लेकिन जो ही वो कोडान कहीं भी आ गया तो वो प्रोटीन स्टॉप हो जाएगी, वो नहीं बन पाएगी। तो इस तरह यानी कि टर्मिनेशन कोडान हमेशा एंड पे होते हैं, लेकिन म्यूटेशन की वजह से एक कोडान टर्मिनेशन कोडान में चेंज हो गया, तो रिजल्ट जो है हम कहते हैं कि 30 कोडान थे और 30 अमाइनो एसिड में आना था, लेकिन 10 नंबर पे जो है वो टर्मिनेशन कोडान म्यूटेशन की वजह से, नॉनसेंस म्यूटेशन की वजह से बना, तो 10वें नंबर तक ही हम कहेंगे प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड आएंगे, उसके बाद प्रोटीन बनना बंद हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड अ नॉनसेंस म्यूटेशन। ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, साइलेंट म्यूटेशन में आप देखें एटीजी जी ए ए, एटीजी जो है मैथियोनीन के लिए था और जी ए ए जो है वो ग्लू के लिए था, जी सी ए एलानीन के लिए था, ग्लूटामिक एसिड के लिए था जी ए ए, तो ए जो है वो चेंज कर गया जी से, तो जी ए ए भी ग्लूटामिक एसिड के लिए है, जी ए जी भी क्या है ग्लूटामिक एसिड के लिए है। ना तो फर्स्ट नाइट्रोजिनस बेस में चेंज आया ना सेकंड में, थर्ड पे आया, तो जी ए ए आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूटामिक एसिड और जी ए जी आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूटामिक एसिड, तो रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होगी, साइलेंट म्यूटेशन। मिससेंस की अगर आप बात करें तो ये जी ए ए या तो जी ए ग्लूटामिक एसिड के लिए है, लेकिन ये जी ए सी मैंने कहा था कि हर दफा ही नहीं होता कि लास्ट वाला कोडान
कोडान जो है उसका न्यूक्लियोटाइड वो नाइट्रोजिनस बेस चेंज हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये मोस्ट केसेस में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे हैं, जैसे GAA ग्लूटामिक एसिड के लिए है, GAG भी ग्लूटामिक एसिड के लिए है, लेकिन अगर एक ही जगह सी आ गया है GAC तो ये किसी और के लिए होगा। इसी तरह अगर इस जी की जगह, फर्स्ट वाले जी की जगह कोई और आ गया तो हो सकता है वो वेलिन के लिए हो। तो इस तरह सिर्फ इसी एक कोडान के फेट पे फर्क पड़ेगा, बाकी कोडान वैसे ही होंगे। एलानिन है, ग्लाइसिन है, ये भी आप देखिए एलानिन बनाने के लिए GCA और CGT जो है ग्लाइसिन बनाने के लिए, तो बाकी कोडान पे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसी पे पड़ेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, मिससेंस। और नॉनसेंस की अगर आप बात करें तो ये सेकेंड नंबर पर है GAA ग्लूटामिक एसिड के लिए है, लेकिन जी की जगह यू आ गया है। जी की जगह हम क्या कहते हैं, यू आ गया है, UAA, तो वो स्टॉप हो जाएगा। या जी की जगह टी आ गया है, तो हमें पता है टी तो डीएनए में आया है, लेकिन जो ही आरएनए होगा तो टी की जगह क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, UAA, ये स्टॉप कोडान है। तो मैथ्यूनिन अमाइनो एसिड आएगा, उसके बाद आगे अमाइनो एसिड आएंगे नहीं, स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप कोडान के आने से क्या हो जाएगा कि वो प्रोटीन जो है वो उसी टाइम ही, उसके अमाइनो एसिड मजीद नहीं बनेंगे, स्टॉप कर जाएंगे, तो कटी फटी प्रोटीन बनेगी, तो वो बहुत ही हार्मफुल होगी। उसके रिजल्ट अमूमन जो अर्ली एबॉर्शन होती हैं, तो उसमें से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि नॉनसेंस म्यूटेशन के हो जाने से प्रोटीन बन नहीं पाती और जो है बेबी वो एबॉर्ट कर जाता है। तो ये तो बहुत ही एक हार्मफुल, आप देखें एक छोटा सा छोटा, एक हमने नाइट्रोजिनस बेस की बात की है, उसमें ना एडिशन हुई है ना डिलीशन हुई है, जस्ट चेंज आने से रिजल्ट इतने हार्मफुल निकल रहे हैं। तो मेजर म्यूटेशन से क्या हो सकता है वो आप अंदाजा लगा लें। ये नॉनसेंस म्यूटेशन में आप देखें कि यहाँ पर नॉर्मली एक, ये हम कह सकते हैं कि एक आरएनए है, इस आरएनए से जो है अमाइनो एसिड बन रहे हैं, एक सीक्वेंस में पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, लेकिन अगर ये डीएनए है तो डीएनए में ये जस्ट ये हुआ है कि इस सी की जगह क्या आ गया है, टी आ गया है, TAG। तो जब आरएनए बनेगा तो वो टी की जगह क्या हो जाएगा, यू आ जाएगा, तो UAG, वी कैन से UAG इज अ स्टॉप कोडान। तो यहाँ पर एक सिलसिला चल रहा था, अमाइनो एसिड आया, फिर अगले कोडान ने ये अमाइनो एसिड दिया, फिर अमाइनो एसिड होना तो ये चाहिए था कि एंड में जो है टर्मिनेशन कोडान आता, लेकिन ये कोडान क्या बन गया, टर्मिनेशन, तो यहाँ पर ही स्टॉप कर जाएगी। इनकोरेक्ट करेक्ट सीक्वेंस काजेज शॉर्टनिंग ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन ट्रंकेटेड बन जाएगी, शॉर्ट बन जाएगी, तो वो किसी भी काम की नहीं होगी। तो नॉनसेंस म्यूटेशन इज वेरी हार्मफुल एज कम्पेयर टू द मिससेंस, एंड साइलेंट तो है ही नहीं, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि नॉनसेंस इज वेरी हार्मफुल। फ्रेम शिफ्ट की अगर हम बात करें तो इसमें चेंजेस तो अगर आती हैं, पूरे के पूरे नंबरिंग पे फर्क नहीं पड़ता नाइट्रोजिनस बेस के, तो वो तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, लेकिन अगर एडिशन हुई है या डिलीशन हुई है तो ना सिर्फ उस कोडान पे पड़ेगा बल्कि साथ वाले कोडान पे भी फर्क पड़ेगा। वन और मोर बेसिस आर एडिट और डिलीटेड, द इक्वलेंट ऑफ इंसर्टिंग और रिमूविंग लेटर इन अ सेंटेंस, बट बिकॉज ऑफ आवर सेल रीड डीएनए इन थ्री लेटर्स वर्ड, एडिंग और रिमूविंग वन लेटर चेंज each subsequent word, this type of mutation can make the DNA meaningless and often result in the shortened protein or non-functional protein। कि यानी सारे कोडान पे फर्क पड़ गया सिर्फ एक नाइट्रोजिनस बेस के ऐड होने से या डिलीट होने से, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और उसमें भी रिजल्ट क्या है कि वो प्रोटीन जो है उसका नाइट्रोजिनस
वो जो उसके अमाइनो एसिड जो है वो टोटली चेंज होंगे, वो नॉन फंक्शनल होगी और वो भी हमारे किसी काम की नहीं होगी। अब यहाँ से देखेंगे नॉर्मल जीन है, यहाँ पर जी जी टी ये एक कोडान है, सी टी सी ये एक कोडान है, सी टी सी फिर एक कोडान है, ए सी जी ये एक कोडान है, सी सी ए एक कोडान है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जी जी टी और ये सेकंड कोडान जो है ये सी और टी और सी था, तो सी में यानी कि यहाँ पे एक एडिशन आ गई है, एक जी आ गया है। अब वो जी होना चार नाइट्रोजिनस बेस का तो कोई कोडान ही नहीं होगा, अब वो जो एडिशन हुई है वो जी और इधर से जो सेकंड कोडान के दो लेटर हैं वो मिल जाएंगे जी सी टी, और ये जो इस सेकंड कोडान का थर्ड लेटर था ये अगले कोडान के साथ मिल जाएगा, इस तरह अगले कोडान को भी खराब कर देगा और इस तरह पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। नॉर्मल में प्रोटीन आप देखें प्रोलीन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, सिस्टीन है, ग्लाइसिन है, लेकिन यहाँ पे एडिशन होने से सिर्फ पहला कोडान वैसा रहेगा, अब वो आर्जिनिन बन जाएगी, ग्लाइसिन बन जाएगी, वेलिन बन जाएगी, आर्जिनिन, तो वो सारे ही अमीनो एसिड चेंज हो जाएंगे जस्ट एक नाइट्रोजिनस बेस के एडिशन से। तो ये इसको हम फ्रेम शिफ्ट इसीलिए कहते हैं कि वो शिफ्ट कर जाएगी नेक्स्ट कोडान पे। और अगर डिलीशन हुई है तो तब भी आप देखें कि यहाँ पर जो है सेकंड कोडान में सी और टी डिलीट हो गया है उसका, और सी आपस में मिल गए हैं, उसने नेक्स्ट को मिला लिया है, तो तब भी अमाइनो एसिड के सीक्वेंस पे फर्क पड़ेगा। दोनों केसेस में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस पे फर्क पड़ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आप ये देखें यहाँ पर भी आपको सही समझ आ जाएगी कि अमूमन जो है ये सेकंड कोडान है जी ए ए, तो यहाँ पर जो है जी जो है वो डिलीट कर गया है, अब ए ए ने ये अगले कोडान का मेंबर मिला लिया है, तो वो अगले कोडान का मेंबर मिलाने से बन जाएगा ए ए जी, और ये जो कोडान के उससे अगले कोडान के जो दो नाइट्रोजिनस बेस हैं वो उससे अगले कोडान के उसको नाइट्रोजिनस बेस को साथ मिला लेंगे, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, टोटली ही चेंज होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन का रिजल्ट हार्मफुल मोस्टली निकलता है, हम अगर बात करें कि म्यूटेशन में तो उसमें जैसे मैंने सिकल सेल एनीमिया बताया, तो सिकल सेल एनीमिया है या थैलासीमिया है या जो है हम ड्रोसोफिला की बात करें, वेस्टिजियल विंग की जैसे मैंने बात की, तो ये तो सारे हार्मफुल हैं, और लेकिन कुछ हमें केसेस में बेनिफिशियल रिजल्ट भी मिलता है। जैसे अगर आप हेट्रोजाइगस केस है सिकल सेल एनीमिया का, कि एक जीन नॉर्मल है दूसरा जो है वो म्यूटेंट है अपने ही नहीं, हो सकता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से या पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, पॉइंट म्यूटेशन अमूमन सिकल सेल एनीमिया में है, तो नाइट्रोजीनस स्निप्स जिसे हम बोलते हैं, तो हेट्रोजाइगस केस में हमने देखा है हाउ इट हैज बीन फाउंड दैट पीपल हु आर करियर फॉर सिकल सेल एनीमिया आल्सो हैज सम जेनेटिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनदर डिजीज मलेरिया, तो वो मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, तो इसके पीछे क्या कहानी है वो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें सिकल सेल एनीमिया एक डेंजरस डिजीज है, लेकिन जो हेट्रोजाइगस फॉर्म में, अगर होमोजाइगस फॉर्म में रिसेसिव फॉर्म में होगी तो वो प्योर सिकल सेल एनीमिया होंगे, अगर हेट्रोजाइगस फॉर्म में है तो वो माइल्ड सा केस होगा, लेकिन वो इतना अनिमिक भी पेशेंट नहीं बनेगा, करियर होगा, और वो पेशेंट जो है हम कहते हैं कि वो मलेरिया के लिए रेजिस्ट कर जाएगा, उसे मलेरिया नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है अक्सर हम इसको बेनिफिशियल का भी नाम देते हैं। तो इसी तरह एक जो है केस में देखा गया कि सम वुमेन हैव बीन फाउंड टू हैव म्यूटेशन दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अदर डिजीजेस सच एज एड्स, कि कुछ म्यूटेशन ऐसी हैं कि जो उनको रेजिस्टेंट बना देते हैं उन ऑर्गेनिज्म को, उनको एड्स नहीं होता, एड्स की बीमारी नहीं होती, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि कुछ केसेस में म्यूटेशन जो है वो बेनिफिशियल भी हैं। हाउ डू म्यूटेशन अकर, म्यूटेशन नेचुरली भी होती हैं, म्यूटेशन इंड्यूस्ड भी होती हैं, जो नेचुरली हैं वो स्पॉन्टेनियस हैं, वो लगातार हो रही हैं, कंटिन्यूसली हो रही हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज ड्यू टू द नेचुरल काजेज लाइक एरर इन डीएनए ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, हम कह सकते हैं कि वैसे एरर आ गया है, नेचुरली डैमेज हुआ है, तो उसको हम स्पॉन्टेनियस या नेचुरल म्यूटेशन कहेंगे, लेकिन कुछ होती हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन जो केमिकल से इंड्यूस्ड हो रही हैं, वो नेचुरली नहीं है, और उन केमिकल्स को हम म्यूटाजेंस का नाम देते हैं,
वो फिजिकल भी हो सकते हैं, वो केमिकल भी हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं. तो म्यूटेंट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने उसको भी ऐड किया है आर डिस्कशन में. तो म्यूटाजन जो है इज अ फिजिकल और केमिकल एजेंट दैट काज म्यूटेशन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल यूजली डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. नॉट ऑल म्यूटेशन आर काज बाय म्यूटाजेंस, ओनली इंड्यूस्ड म्यूटेशन आर काज बाय म्यूटाजेन. स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अकर नेचुरली. तो जो इंड्यूस्ड म्यूटाजन म्यूटेशन है उन्हीं को ही म्यूटाजेन काज करते हैं. और वो म्यूटाजेन जो कैंसर काज करते हैं उन्हें हम कार्सिनोजेनिक्स बोलते हैं या कार्सिनोजेंस बोलते हैं. फर्स्ट टाइम क्या है, द फर्स्ट म्यूटाजन टू बी आइडेंटिफाइड वर कार्सिनोजन. ट्यूमर वर डिस्क्राइब्ड मोर देन 2000 ईयर बिफोर द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए. द म्यूटोजेनिक प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटाजन वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन 1927 बाय मलर. तो सबसे पहले जो म्यूटाजेंस थे उसको 1927 में मलर ने डिस्कवर किया था. ही डिस्कवर्ड दैट एक्स रे कैन काज जेनेटिक म्यूटेशन इन फ्रूट फ्लाइज. तो यहाँ पे आप देख लो कि फिजिकल म्यूटाजन जो है वो एक्स रेज जो है वो सबसे पहले मलर ने तो वो डिस्क्राइब किया था 1927 में. फिर उसके बाद एडगर एल्टनबर्ग जो है आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड द म्यूटेशनल इफेक्ट ऑफ यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन 1928. मलर वेंट ऑन टू द यूज ऑफ एक्सरे टू क्रिएट ड्रोसोफिला म्यूटेंट दैट ही यूज्ड इन हिज स्टडीज ऑफ जेनेटिक्स. तो उसने खुद से जो है वो म्यूटेशन करवाई एक्सरे के जरिए ड्रोसोफिला के अंदर. उसके बाद जो है 1928 में स्टेडलर ने भी एक्सरे को जो है वो बार्ले के ऊपर जब करवा के म्यूटेशन काज करवाई तो उसको भी एक्सरे को जो है वो म्यूटाजन का नाम दिया. तो इसी तरह जो है यानी हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट है कि म्यूटाजन सबसे पहले किसने डिस्कवर किए, तो मल्लर ने 1927 में. अच्छा, अब ये म्यूटाजेंस जो हैं वो क्या करते हैं, वो डीएनए के सीक्वेंस को या नाइट्रोजिनस बेसिस को चेंज कर देते हैं रेप्लिकेशन के दौरान, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान. तो या ट्रांस रेप्लिकेशन लेवल पे म्यूटेशन होती है या फिर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होती है. अच्छा, कुछ म्यूटाजेंस हैं पावरफुल म्यूटाजेंस मे रिजल्ट इन क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी काजिंग क्रोमोसोमल ब्रेकेज एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम सच एज ट्रांसलोकेशन डिलीशन एंड इन्वर्जन. कुछ होते हैं म्यूटाजेंस जो मेजर म्यूटेशन काज करते हैं. तो जो मेजर म्यूटेशन काज करने वाले हैं, आज के हमने जीन म्यूटेशन को हमने माइनर का नाम दिया, यानी ये विदन जीन है. और मेजर क्या है कि वो हम कहते हैं क्रोमोसोमल है. तो वो जो मेजर म्यूटेशन काज करने वाले म्यूटाजन हैं उनको क्लेस्ट्रोजेंस का नाम देते हैं. उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम क्लेस्ट्रोजेंस कहेंगे. म्यूटाजेंस की टाइप जो है वो बहुत सारी हैं. तो वो उनमें से फिजिकल म्यूटाजन है, डीएनए रिएक्टिव केमिकल्स हैं जो डीएनए के साथ रिएक्ट करते हैं, बेस एनालॉग हैं. कुछ म्यूटाजेंस हैं जो नाइट्रोजिनस बेसिस के साथ रिजेंबल करते हैं और डीएनए समझता है ये मेरे नाइट्रोजिनस बेस ही हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो म्यूटाजेंस होते हैं, उन्हें हम बेस एनालॉग बोलते हैं. और इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हैं, कुछ जो है वो आके मिड में लग जाते हैं डीएनए की नाइट्रोजिनस बेसिस के दरमियान में आके लग जाते हैं, इंटरकैलेटिंग एजेंट कहलाते हैं. और कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ जो है वो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं. सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटाजेंस दैट मोस्टली ऑफ देम आर वेरी हार्मफुल एंड काज मेजर म्यूटेशंस एंड सम आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर. फिजिकल म्यूटाजेंस में जब भी आपसे ये पूछा जाए तो उसमें आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूवी उसको भी कहेंगे और एक्स रेज को भी कहेंगे. गैमा रेज है जैसे वो डीएनए की ब्रेकेज करती है, डीएनए को डैमेज करती है. और यूवी जो है वो विद वेवलेंथ अबव 260 नैनोमीटर आर एब्जॉर्ब स्ट्रॉन्गली बाय बेसिस प्रोड्यूसिंग पायरिमिडीन डाइमर विच कैन काज एरर इन रेप्लीकेशन. तो रेप्लीकेशन के अंदर एरर काज करती हैं, तो इसलिए यूवी को भी हम क्या नाम देते हैं, मेजर फिजिकल म्यूटाजेंस. बेस एनालॉग जो कॉपी एरर का प्रोसेस देते हैं. कॉपी एरर का प्रोसेस मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया है कि कुछ होते हैं म्यूटाजेंस जो नाइट्रोजिनस बेसिस से बहुत रिजेंबल करते हैं. उसकी एग्जांपल है 5 ब्रोमो यूरासिल 2 अमाइनो प्यूरीन.
यहाँ पे 5-ब्रोमो यूरासिल या 2-अमाइनो प्यूरिन तो वन ऑफ द मोर कॉमन बेस एनालॉग है। व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग 5-ब्रोमो यूरासिल इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डीएनए इट इज मोस्ट लाइकली टू पेयर विद एडेनिन। तो ये बिल्कुल एडेनिन की तरह लग रहा होता है, तो वो डीएनए समझता है कि ये नाइट्रोजिनस बेस ही है, लेकिन वो होता है वैसा है, और रिजल्ट पर जो म्यूटेशन देगा हम उसको कॉपी एरर का नाम देंगे। तो ये हो गया जी बेस एनालॉग। इसके अलावा है डीएनए रिएक्टिव केमिकल, जो डीएनए के साथ रिएक्ट करते हैं, जिनको हम रॉस भी बोलते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, तो रॉस का नाम देंगे। अमूमन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो ज्यादा होंगे, काम करेंगे। केमिकल लाइक हाइड्रोजन परऑक्साइड जनरेटेड बाय नॉर्मल सेलुलर प्रोसेस डायरेक्टली इन माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्टली एक्ट ऑन डीएनए स्ट्रैंड एंड कॉज म्यूटेशन। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी जिसको रॉस का नाम देते हैं, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है अगर वो ज्यादा बनेगा सेलुलर प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वो म्यूटाजन के तौर पर काम करेगा और डीएनए के स्ट्रैंड में वो डिफरेंट टाइप की म्यूटेशन करेगा। या कुछ डीएमिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जो डीएमिनेशन का प्रोसेस करते हैं, नाइट्रस एसिड उसमें आता है तो वो जो है वो म्यूटेशन काज करते हैं, और जैसे साइटोसिन को जो है वो कन्वर्ट कर देंगे किसमें, यूरासिल में कन्वर्ट कर देंगे। तो साइटोसिन की जगह ये नहीं हम कहेंगे यूरासिल आ गया, बल्कि साइटोसिन के को चेंज करके उसके अंदर उसके फॉर्मूला को चेंज करके उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, यूरासिल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ट्रांजिशन म्यूटेशन काज करेंगे। तो ये जो है वो डीएमिनेटिंग एजेंट भी होंगे जो डीएनए के साथ रिएक्ट करेंगे। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स भी हैं। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स में हमारे पास है एथिडियम ब्रोमाइड इंसर्ट बिटवीन बेस इन डीएनए काजिंग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। ये बेसिस के दरमियान में आके फिट हो जाता है और फिट होके ये नाइट्रोजिनस बेसिस को चेंज कर देता है, रिजल्ट जो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, रेप्लिकेशन तो चेंज हुई है और आगे डी जो प्रोटीन है उसका फेट टोटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसमें अमाइनो एसिड और आएंगे नॉर्मल की जगह। तो इंटरकैलेटिंग एजेंट भी म्यूटाजन के तौर पर है। इसके अलावा मेटल्स हैं बहुत सारे, आर्सेनिक, क्रोमियम, आयरन, निकल, तो ये सारे जो है रॉस प्रोडक्शन करवाते हैं, और रॉस का मैंने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी का नाम दिया है और वो डीएनए की रेप्लिकेशन को चेंज कर देता है। निकल इन्वॉल्व इन डीएनए हाइपर मिथाइलेशन का प्रोसेस प्रोसेस जो है मिथाइलेशन कर देगा डीएनए की। तो कोबाल्ट, आर्सेनिक, निकल एंड कैडमियम में आल्सो इफेक्ट डीएनए रिपेयरिंग प्रोसेस, सही तरह से डीएनए रिपेयर नहीं होगा, डैमेज ही रहेगा और वो जो है म्यूटेशन में चला जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगी और मेजर इफेक्ट सामने आएंगे। इसके अलावा बायोलॉजिकल एजेंट भी हैं। कुछ हमारी बॉडी के अपने जीन होते हैं जिन्हें जंपिंग जीन बोलते हैं या ट्रांसपोजोन बोलते हैं, तो वो भी आके जो है वो डीएनए के साथ लग के फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कर देते हैं या डिलीशन कर देंगे या इंसर्शन कर देंगे, रिजल्ट जो है वो सही तरह से प्रोटीन नहीं बनेगी। कुछ वायरसेस हैं जो इंसर्शन का प्रोसेस करेंगे या डिलीशन का प्रोसेस करेंगी, तो वो भी उसमें, या कैंसर काजिंग वायरसेस हैं वो आके कैंसर काज करेंगी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे हेलिकोबैक्टर पायलोरी है, काज इन्फ्लेमेशन ड्यूरिंग विच ऑक्सीडेटिव स्पीशी आर प्रोड्यूस्ड काज डीएनए डैमेज। ये हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो है इन्फ्लेमेशन के दौरान रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी रॉस का लेवल बहुत बढ़ा देंगे, और रॉस जैसे मैंने आपको बताया म्यूटाजन के तौर पर काम करेगा, म्यूटेशन होंगी, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, इंसर्शन या डिलीशन यानी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और उसका बहुत हार्मफुल रिजल्ट सामने आएगा। हाँ जी, लास्ट में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, और कुछ पॉइंट्स जो जीन म्यूटेशन से मिस हो गए हैं वो मैं इसी क्वेश्चन आंसर में ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर वन है, विच टाइप ऑफ म्यूटेशन वुड हैव द लीस्ट इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म, जो सबसे ज्यादा लीस्ट इफेक्ट देते हैं। ए पे है सब्स्टिट्यूशन, बी पे है इंसर्शन, सी पे है डिलीशन और डी पे है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो जो लीस्ट इफेक्ट निकलेगा, इंसर्शन से भी मेजर इफेक्ट है, डिलीशन से भी मेजर इफेक्ट है, फ्रेम शिफ्ट से भी मेजर है, सब्स्टिट्यूशन से इफेक्ट तो निकलता है लेकिन उसी टाइम डेथ नहीं होती,
तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे अगर नो इफेक्ट की बात होगी तो फिर यहाँ पे साइलेंट म्यूटेशन आ जाएगा। और अगर ट्रंकेटेड प्रोटीन हम कहते हैं बन रही है, कटी फटी प्रोटीन बन रही है, तो फिर यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या आएगा, नॉनसेंस म्यूटेशन। तो यहाँ पर किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, पॉइंट म्यूटेशन की डिफरेंट टाइप आ सकती है, स्निप्स के बारे में आ सकता है कि स्निप्स क्या है, सिंगल नाइट्रोजिनस बेस पॉलीमॉर्फिज्म है, तो उसमें उसके हवाले से भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, सम जंपिंग जीन आर आल्सो इन्वॉल्व टू इंड्यूस वैरायटी ऑफ म्यूटेशंस आर कॉल्ड। तो जंपिंग जीन जो है वो ह्यूमन बीइंग में भी है, बाकियों में भी है, क्या वो ट्रांसवर्जोम है, क्या वो बेस एनालॉग है, ट्रांसपोजोन है, या बेस होमोलॉग है, तो उन्हें हम ट्रांसपोजोम जोन कहेंगे। तो ट्रांसपोजोन कौन से होते हैं उसकी एग्जांपल आपने गूगल से सर्च करनी है, तो वो भी पूछ सकते हैं कि कुछ ट्रांसपोजोन जो है वो नीचे ऑप्शन में होंगे, तो वो बताना होगा कौन से ट्रांसपोजोन के तौर पर काम करते हैं। अगला है, अ गैमिट विद एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम ड्यूरिंग नॉन डिस्जंक्शन आफ्टर फर्टिलाइजेशन काज। ये मैंने चार्ट से लिया है। एक गैमिट है, उसमें हम कहते हैं 23 क्रोमोसोम के अलावा भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, और जब वो एक नॉर्मल गैमिट से मिलेगा तो टोटल उस ऑर्गेनिज्म में 47 हो जाएगी क्रोमोसोम्स की तादाद। तो वो केस कौन सा होगा, क्या वो मोनोजोमी है, क्या वो ट्राइजोमी है, क्या वो नलीजोमी है, क्या वो टेट्राजोमी है। मोनोजोमी है 2n-1, ट्राइजोमी है 2n+1, तो ये ट्राइजोमी आएगा। नलीजोमी है 2n-2 और टेट्राजोमी है 2n+2, तो ट्राइजोमी केस है। तो ट्राइजोमी की जगह पे यहाँ पे कोई डिजीज भी पूछ सकते हैं, सिंड्रोम भी पूछ सकते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में 21st वाला जो क्रोमोसोम है उसका एक शॉर्ट आर्म जो है वो डबल हो जाता है, तो जिसकी वजह से कोई 50 डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर सामने आते हैं उस ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो डाउन सिंड्रोम है या मंगोलिज्म की डिजीज है, तो वो ट्राइजोमी है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद है, सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सिकल सेल एनीमिया जो है वो पॉइंट म्यूटेशन की भी एग्जाम्पल है। पॉइंट म्यूटेशन में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन भी है और मिससेंस की भी है। तो यहाँ देखें, ए पे सब्स्टिट्यूशन, बी पे फ्रेम शिफ्ट तो है ही नहीं ना, जस्ट एक जो है अमाइनो एसिड वो चेंज होता है, एक नाइट्रोजिनस बेस के जो है वो ना ऐड होने से ना डिलीट होने से, बल्कि जस्ट वो खुद चेंज हो गया है, कि वो एडिनिन की जगह हो सकता है गुआनिन हो गया है। तो जैसे हम कहते हैं कि वो नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड के लिए था लेकिन क्या बन गया, वेलिन बन गया, तो मिससेंस म्यूटेशन भी आएगी और सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूशन की जगह स्निप्स लिखा होगा तो वो भी आ सकता है, तो बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर कोई भी हंटिंगटन डिजीज है उसका पूछ सकते हैं कि वो किसकी जो है वो एग्जाम्पल है, इसी तरह किसी और डिसऑर्डर का पूछ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वॉज द फर्स्ट हाइब्रिडिस्ट हु यूज द टर्म म्यूटेशन। सबसे पहले म्यूटेशन का वर्ड किसने यूज किया, क्या वो ग्रिगर मेंडल था, बैटसन एंड पुनेट था, हगो डिवराइस था, या सर्टन था। तो हगो डिवराइस जो है ये इन्होंने सबसे पहले जो है म्यूटेशन को के वर्ड को जो है वो डिस्क्राइब किया, जब वो प्लांट पे काम कर रहा था, तो म्यूटेशन का वर्ड जो है वो सबसे पहले साइंटिस्ट ने दिया। अगला है, इन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन व्हेन अ प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरीन और पायरेमिडीन बाय पायरेमिडीन, देन दिस इज कॉल्ड। सब्स्टिट्यूशन में फर्दर इसकी दो टाइप है, मैं वो स्टार्ट में आपसे शेयर नहीं कर सकी थी, इसी में मैं कर देती हूँ। सब्स्टिट्यूशन में या तो नॉर्मली एक प्यूरीन है, वो चेंज भी हो रही है किसके साथ, प्यूरीन के साथ, कि एडिनिन है तो एडिनिन की जगह गुआनिन आ गया है, या एक पायरेमिडीन है, थायमिन है, तो वो थायमिन की जगह क्या आ गई है, साइटोसिन। अगर प्यूरीन प्यूरीन से चेंज हो, या पायरेमिडीन पायरेमिडीन से सब्स्टिट्यूट हो, तो तब उस सब्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं ट्रांजिशन। लेकिन अगर प्यूरीन जो है वो पायरेमिडीन से चेंज हो जाए, एडिनिन की जगह जो है हम कहते हैं साइटोसिन आ गया है, या गुआनिन की जगह जो है वो क्या आ गया है, थायमिन आ गया है, तो यानी एक प्यूरीन थी वहां पे और प्यूरीन किससे चेंज हो गई है, पायरेमिडीन से चेंज हो गई है, तो तब हम उसको ट्रांसवर्जन कहेंगे। तो इस तरह भी
बहुत डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन की दो टाइप है, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन की टाइप है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा वो ठीक होगा। तो आज के इस टॉपिक में मैंने कोशिश की थी कि मैं आप लोगों के साथ जीन म्यूटेशन को और म्यूटाजेंस को स्टडी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो ये हमारा पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आपको कोई लग रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या कुछ कमी बेशी है तो आपने जो है वो बुक से देख लेना है। आप बार बार कहते हो कि मैम कौन सी बुक्स हम करें, तो जेनेटिक्स की बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें आपको जीन म्यूटेशन के हवाले से मिल सकता है, इसी तरह सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी है उसमें मिल सकता है। फिर डी रॉबर्टीज की बुक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हमारे पॉइंट्स को बहुत क्लियर करवाती है। अगर सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी को अगर आपने जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो उसके लिए डी रॉबर्टीज की बुक है, तो सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी पे, तो उसमें भी जीन म्यूटेशन बहुत डिटेल से पूरा म्यूटेशन का टॉपिक दिया हुआ है। वर्मा की बुक जो है वो मेरे पास है, आप बार बार मेरे से कहते हैं कि मैम हमें शेयर कर दें, हमें दे दें, तो वो मेरे पास हार्ड कॉपी में है, तो काइंडली आप जो है उसको देखें, अगर आपको मिलती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज और बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें कुछ पोर्शन दिया हुआ है जेनेटिक्स के हवाले से भी, सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी के हवाले से भी, आपके बीएससी से रिलेटेड बीएससी की जो टेक्स्ट बुक है उससे भी आपको मिल जाएगा, और डी रॉबर्टीज की बुक जो मैंने आपको बताया उसमें से भी मिल जाएगा। इसके अलावा एक बायोकेमिस्ट्री की बुक है लिपनकॉट, उसके अंदर भी जो है आपको ये म्यूटेशन का टॉपिक मिलेगा। तो बाकी जो है ये जो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, मैंने कोई एक बुक नहीं ली, मैंने बहुत सारी बुक्स जो है उनसे लेके, तो ये कुछ गूगल से मैंने मटेरियल इकट्ठा करके बुक से टैली करके उसको वेरीफाई करके आपके साथ मैंने ये शेयर किया है। तो ये आपको काफ़ी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, आपको नॉलेज देगा, तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि इसमें ये जो बाकियों को भी से वो भी बेनिफिट हासिल कर सकें। कम से कम आप हमारे लिए इतना करें कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरों के साथ, लाइक करें इसे, और अपना बहुत ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जीन म्यूटेशन।